नोएडा के दुजाना गांव में अनिल दुजाना का शव पहुंचा, जहां आसपास के ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। इसके साथ ही भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स भी मौजूद नजर आया। कुख्यात अनिल दुजाला का अंतिम संस्कार, आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे। मेरठ एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए कुख्यात अनिल दुजाना का शव दोपहर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरठ से गांव में सब पहुंचते चीख पुकार मच गई। अंतिम संस्कार में दुजाना गांव के अलावा दूसरे गांव के लोग भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। दुजाना के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे मेरठ के मेडिकल कॉलेज से अनिल दुजाना का शव उसके पैतृक गाँव दुजाना पहुंचा। अनिल दुजाना की पत्नी पूजा अपने 6 माह के बच्चे को लेकर गांव पहुंची। इसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले गांव के लोगों को कल जैसे ही इनकाउंटर की खबर मिली, गांव वालों ने अनिल के बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर वहां उगाई घास और झाड़ियों को साफ किया। दोपहर करीब 2 बजे सब गांव पहुंचा तो गांव में अनिल के घर पर मौजूद महिलाओं में चीख पुकार मच गई और रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। गांव वालों ने परिजनों और अंतिम संस्कार से पूर्व प्रक्रिया को पूर्ण किया। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई, गांव के ही शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। कुख्यात के अंतिम संस्कार को शांतिपूर्ण कराने के लिए गांव में एक कंपनी पीएससी, कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। कुख्यात अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर के उसी दुजाना गांव का रहने वाला था, जहां कुख्यात डकैत सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। 70-80 के दशक में सुंदर डाकू का दिल्ली एनसीआर में खूब आतंक था। अनिल दुजाना का असली नाम अलिन लागर है। अनिल लागर से अपनी दुश्मनी के चलते अपने ही बड़े भाई को खो दिया था। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24।